हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी। तुरई की सब्जी स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है, और अगर आप इस तरह से तुरई की सब्जी बनाएंगे तो ये घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत ही पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, और आज इसे हम मिट्टी की कढ़ाई में बनाएंगे जिससे इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं तुरई की सब्जी। तुरई की टेस्टी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम तुरई ली है। ये देखिए, मैंने इसे पानी से अच्छे से धो लिया है, और सबसे पहले हमें इसका छिलका उतारना है। तो अब हम सबसे पहले इसके ऊपर वाला हिस्सा हटा देंगे, और ये नीचे वाला हिस्सा भी हटा देंगे, और अब इसका छिलका उतार लेंगे इस तरह से। और सभी तुरई का हम इसी तरह से छिलका उतार कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तुरई का छिलका मैंने उतार लिया है, और इसे एक बार पानी से और वॉश कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और सभी तुरई को हम छोटे पीसेस में काट कर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तुरई को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे। तो तुरई की सब्जी बनाने के लिए गैस पर मैंने मिट्टी की कढ़ाई रख दी है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की कढ़ाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, और अब तेल को गर्म होने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, तेल को मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा। थोड़ा सा चटकने देंगे जीरे को। इसी के साथ अब इसमें ऐड कर देंगे एक पिंच हींग। गैस की फ्लेम को इस समय बिल्कुल मीडियम रखेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसे। अब इसमें मिलाएंगे 7 से 8 कली लहसुन की, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे, और इसे भी भुनने देंगे हल्का सा सुनहरा होने तक, लगभग 1 मिनट के लिए। तो लहसुन को मैंने यहाँ पर हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ एक प्याज बारीक कटा हुआ, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसे मिक्स कर देंगे, और इसे भुनने देंगे हल्का सा सुनहरा होने तक, लगभग 1 मिनट के लिए। तो प्याज और हरी मिर्च हल्के से भुन चुके हैं, ये देखिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुरई, जो हमने पहले से काट कर रखी है। इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार आप इसे इस तरह से जरूर बना के देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं तुरई को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और अब इसे बाकी सब चीज़ों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तुरई जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तब हम इसमें मिलाएंगे नमक। तो मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये नमक मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब नमक तुरई के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसे ढक देंगे, और ढककर इसे पकाएंगे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब इसे ढक देते हैं और पका लेते हैं। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें बाकी के मसाले भी मिला देते हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले मिला रही हूँ 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो सभी मसाले हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं, और अब इसे भी तुरई के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं तुरई को मैंने मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे ढक देंगे, और ढककर इसे पकने देंगे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। हमें इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब भी आप मिट्टी की कढ़ाई में बनाएं, तब तुरई को पकाते हुए गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। तो अब इसे पका लेते हैं। तो लगभग 4 मिनट हो चुके हैं, और तुरई हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। तो अब हमारी तुरई की टेस्टी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तुरई की सब्जी को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो
तो ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही स्वादिष्ट तुरई की टेस्टी सब्जी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं गरम गरम फुलके के साथ में, पराठे के साथ में। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई टेस्टी और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।